شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأعمال الورع عن محارم الله ما هي आखिरी जुमा था सरकारी खत्मी मरतब शाबान के आखिरी जुमे का ख़तबा दे रहे थे अपने खुतबे में माह रमज़ान की फजीलतों को बयान कर रहे थे कि ये महीना अपने हमरा बरकतों रहमतों मखफ़रत लेकर के आया है इस महीने में सांस लेना भी तस्वीर है सोना भी इबादत का दर्जा रखता है एक आयत की तिलावत दूसरे दिनों में पूरे कुरान की तलावत के बराबर है कि अचानक मौल कायनात ने आ हजरत से एक सवाल कर लिया या रसूल माँ फी हादा शहर ए अल्लाह के रसूल ये बताएं कि इस महीने में सबसे बेहतरीन अमल क्या है सबसे अच्छा अमल क्या है सरकारी खत्म मरतमत ने मौलाए कायनात के जवाब में फरमाया अल्राउन सबसे बेहतर अमल ये है कि इंसान अपने को उन चीज़ों से बचाए जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम करार दिया है अगर अल्लाह ने गीबत को हराम करार दिया है तहमत लगाने को हराम करार दिया है झूठ बोलने को हराम करार दिया है किसी बंदे खुदा को तकलीफ़ पहुँचाने को हराम करार दिया है दूसरों का माल गफ्फ़ करने को हराम करार दिया है जितनी चीज़ें अल्लाह ने हराम करार दी हैं बेहतरीन काम ये है कि इंसान अपने को इन बुरे आमाल से इन गुनाहों से दूर रखे इस्लाम में सबसे ज़्यादा जो अहमियत दी गई है वो गुनाहों से दूर रखने को है हदीस में में मिलता है कि परवरदेगार जनाबेमूसा को ख़िताब करके कहता है या यामूसा माँ तकर्रबा अलम तक्रबून ऐ एमूसा जिन चीज़ों ने बंदों को मुझसे करीब किया है उनमें सर फहरस्त गुनाहों से इजतनाब है अलवरा जिन चीज़ को जिन चीज़ों को मैंने हराम करार दिया है उनसे दूरी है जितना अल्लाह के का तकर्रब गुनाहों से परहेज से हासिल हो सकता है उतना तकर्रब किसी और अमल से अंजाम नहीं पा सकता है आप अगर हदीसों का जायजा लें अलैहिस्सलाम के इरशादात को देखें तो मासूमिन ने बड़ी शिद्दत के साथ हम मुस्तबात को अंजाम न दें कोई बात नहीं है बस दफा होता है कि मुस्तबात को अंजाम देने के लिए फेले हराम कर का इरतक करते हैं मुस्तबात की अनजामदेही के लिए गुनाह करते हैं गुनाह न करें चाहे मुस्बात को अंजाम न दें लिहाजा गुनाहों से महफूज रखना गुनाहों से बचाना अपने को हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जिसकी तरफ सरकारें मरतबत ने अपने इस बयान में इर्शाद फरमाया ये जवाब देने के बाद एक दफा पैगम्बर इस्लाम अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए भाला कायनात ने सवाल किया कि या वसूल मा युपकी आपके रोने का सबब क्या है रोने की वजह क्या है पैगम्बर इस्लाम ने अपने रोने का जो सबब बयान किया उसका ताल्लुक आज ही के दिन से है ये अयाम शहादत अमीरुल उमन हजरत अली तालिब युब अबालिबलतम के हैं सरकारी खत मतबा ने फरमाया कि या अली मेरे रोने का सबब अगर पूछना चाहते हो अब की मैं रो रहा हूँ उन वाकयात को उन हालात को याद करके रो रहा हूँ जो इसी माह रमजान में तुम्हारे साथ पेश आने वाले हैं गोया मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ अपनी निगाहों से देख रहा हूँ कि तुम मसरूफ़ मसरूफ़ इबादत हो और एक शकी तरीन इंसान जो नाके सालेह को नहर करने वाले से भी ज़्यादा शकी है अशकल अवलिन व आखरीन है वो तुम्हारे सर पर जरब मार रहा है और तुम्हारी दाढ़ी को तुम्हारे खून से सुरख कर रहा है मौला कायनत ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु सल्लाम से यह ख़बर सुनने के बाद इर्शाद फरमाया अफ़ी सलामत मंदीन या रसूल ए अल्लाह के रसूल जब ये वाकया पेश आएगा तो उस वक्त मेरा दीन तो सालिम होगा ना मौलाए कायनात को इस बात की फिक्र नहीं है कि इस जरब के नतीजे में अली पर क्या गुजरेगी अली की जिंदगी बचेगी या खत्म हो जाएगी मौला को अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं है फिक्र है तो इस बात की फिक्र है कि मेरा दीन सालिम रहेगा या नहीं मौला ने अपनी इस मुख्तसर से जुमले से अपने तमाम चाहने वालों को कयामत तक के लिए पैगाम दे दिया है कि सबसे ज़्यादा तुम्हें तो जिस बात का ख्याल रहना चाहिए जिस बात की फ़िक्र रहना चाहिए वो दीन की सलामती है खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दी, हमारे दीन में इनहराफ की शमूलियत हो जाए हमारे दीन में खुराफात शामिल हो जाएँ खुदा तो न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि हम दीन से मुनहरिफ हो जाए सरकारी खत मतबा ने मौला के जवाब में फरमाया कि हाँ वफी सलामत है मेन एक ये वाक़ा जिस वक्त पेश आएगा उस वक्त तुम्हारा दीन सही और सालिम होगा उसमें कोई नक्स ना होगा उसमें कोई कमी ना होगी उसके बाद पैगम्बर इस्लाम मौलाए कायनात को खिताब करके फरमाते हैं अली मन कताल का फकत कताली एली जिसने तुम्हें कत्ल किया गोया उसने मुझे कत्ल किया पैगम्बर ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो दर्जा सरकार मरतबा का है आ हजरत की निगाह में वही रुतबा वही दर्जा वही मरतबा अमीरमोम का है मन अब गजा का फकत अब गजा नहीं जो तुमसे बोझ रखेगा उसे मुझसे बोझ है मन सब का फकत सब बनी जो तुम्हें गालियां देगा जो तुम्हें तुम्हारी तोहिन करेगा गोया उसने मुझे दुश्लाम दिया का मिन्नी का नफ़सी क्योंकि तुम्हें मुझसे वही रिश्ता है जो मेरे नफ्स को मुझसे रिश्ता है मेरा नफ्स तुम्हारा नफ्स उसमें कोई फर्क नहीं है रूहों का मिन रूही व तीनतों का मिन तीनती तुम्हारी रूह मेरी रूह है तुम्हारी तीनत मेरी तीनत है इन अल्लाह व तआला खलकनी व इयाक अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें भी पैदा किया और मुझे भी पैदा किया वस्तफानी नी बिल रसाला विल तुम्हें अल्लाह ने इमामत के लिए चुना है मुझे अल्लाह ने नबूवत के लिए चुना है फ़कद जो शख्स तुम्हारी इमामत का मुनकिर है वो मेरी नबूवत का मुनकिर है वसी व अबू वुल्दी व वुलदी वी ए अभी तुम मेरे वसी हो मेरे जानशीन हो मेरे बच्चों के वालिद हो मेरी बेटी के शोहर हो व खलीफती फतीफी उम्मती फी हयाती वबाद मौत ही तो मेरी जिंदगी में भी मेरी उम्मत में मेरे खलीफा और जानशीन हो मेरे इंतकाल के बाद भी मेरे खलीफा हो ये अजमत ये मकाम ये रुतबा है अमीरुल मोमिनीन हजरत अली युबन अबी तारिबल का जिनकी शहादत का ये दिन है खुदा बंद आलम से दुआ है कि खुदा हम सबको तोफ़ी नात फरमाए किसी रत अमीरुल मोमिनीन पर चलते हुए अपने दीन की सलामती और तहफ़ का भरपूर ख्याल रख सकें अलमैकम व वर्कू